दोस्तों हाल ही में बायजूस जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा एजुकेशन का, उस पर ईडी ने जो है छापा मारा है, जिसके तीन बड़े कारण हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो तीन बड़े कारण कौन से हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि हम रीजन नंबर वन की बात करें तो साल 2011 से साल 2023 तक 28,000 करोड़ रुपए की जो है FDI इनके पास आई है, बायजूस के पास है, इनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एक अपना एक पहला रीजन है। दूसरे रीजन की हम बात करें तो 950 करोड़ रुपए जो है इन्होंने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए हैं, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, रियली एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा यदि हम बात करें तो 9,754 करोड़ रुपए का कंट्री से बाहर जाना, ये भी बायजूस को कटघरे में खड़ा कर देता है। और कुछ काफ़ी सारी कंप्लेंट्स बायजूस के खिलाफ काफ़ी टाइम से आ रही थी, बहुत से प्राइवेट पर्सन जो है कंप्लेंट करते हैं, या जो बहुत से जो यूज़र्स हैं उनकी भी कंप्लेंट्स को मद्देनज़र ये रेड मारी गई है।